आपका स्वागत है इस YouTube रिकॉर्डिंग में मैं अथया हूँ और मैं आपको आज बहुत ही विशेष बात बता रहा हूँ देखिए एंटीबायोटिक का आविष्कार जो था 1928 में हुआ था और ये आ, 1945 से ये आ गए थे सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन था तो पेनिसिलिन हो गया उसके बाद फिर टेरामाइसिन निकला 45 में उसके बाद और सब निकलते चले गए बताओ जेंटामाइसिन निकला और लास्ट में ये आपका जो है इनफ्लॉक्सिन आ गया तो मैं ये बता रहा हूँ आपको जैसे पेंसिलिन है उसमें चक्कर ये है कि अगर आप उसको बार बार लगाएंगे और बताओ अगर आप उसकी कम डोज लगाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है उसमें यह भी होता है कि वो रिएक्शन भी कर सकता है और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा कर देता है और उसको इंजेक्शन से देना पड़ता है तो ये तो और वो जो है बैक्टीरसाइडल है बैक्टीरिया के सेल वॉल को नहीं मरने देता है तो उसके ड्रॉबैक्स यही हैं कि रिएक्शन भी कर सकता है किसी वक्त भी और दूसरी बात यह है कि वो ब्रेन में नहीं जाता है और तीसरी बात यह है कि उससे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं अब टैरामाइसिन में आ जाए टेरामाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है इसलिए ये बच्चों में नहीं लगा सकते प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं लगा सकते वैसे ये सभी में प्लस माइनस बैक्टीरिया में काम करता है और तो इसका ड्रॉबैक यही है कि इसके बाद जो है वो जो है जानवर धूप में जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो जाएगी और ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है तो ये दो बात हो गई कि पेंसिलीन टेरामाइसिन अब आ गया आपका जो है वो जेंटामाइसिन जेंटामाइसिन में दिक्कत यह है कि अगर ये प्रेगनेंसी में लगा देंगे तो बच्चा जो है पैदा होता है उसकी वो सुनने की शक्ति चली जाती है तो इस इस और प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये एन, इनिबिट करता है ब्रेन में ब्रेन में भी नहीं जाता ये तो इनोफ्लॉक्सिन है वो कार्टिलेज को मारता है तो उसको भी प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं दे सकते तो ये सब की काट के लिए थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक आ गए हैं वो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक ऐसे हैं वो ब्रेन में भी जाते हैं और वो क्या कहते तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी पैदा नहीं होते वो रिएक्शन भी नहीं करते वो प्लस माइनस दोनों पे काम करते हैं तो मैं ऐसे एक सिफ्ट्रिया एक्सोन सिफ्ट्रिया एक्सोन वो एनी वन एक्स ओ वन -E को याद रखिए एक्स ओ एनी वन शिफ्टिया -E एक्स ओ एनी वन -E ये शिफ्टिया एक्स के नाम से मिलता है सिफ्टिया एक्स देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये सिफ्ट्रिया एक्स है देखा ठीक है हाँ सिफ्टिया एक्स है तो ये मेस्टाइटिस के लिए रामबाण है और रिपीट ब्रीडिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हैं और अगर कहीं पे प्रोलेप्स रोलेप्स हो गया उसमें भी आप यूज़ करिए तो इसकी डोज जो है दस एम पर के जी बॉडी वेट है और ये तीन ग्राम में मुहैया हो जाता है और इसको हम हम लोग सप्लाई करते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है और आ, ये थर्ड जनरेशन वो है एंटीबायोटिक तो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक ये, ये, ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये लॉन्गर हावी हाफ़ लाइफ है तो ये आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं दूसरा जो है इस ये सब मेस्टाइटिस में बहुत अच्छे काम करते हैं देखिए जो कोवेक्टान वगैरह आप लगाते हैं वो बहुत कॉस्टली हैं वो कभी कभी मिलते नहीं हैं ये सस्ते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है और ये बाज़ार में नहीं मिलते हैं हम लोग इसको सप्लाई करते हैं तो दूसरा है स्विफ्ट या स्विफ्ट राय एक्सोन सिप्ट्रिया एक्सोन टेजोबैक्टम ये जो है ये बैक्टीरियल एक्शन होता है ये बहुत ही लो कंसनट्रेशन में ही अफेक्टिव हो जाता है और इसमें जो है इसमें जो है चार ग्राम और साढ़े चार ग्राम में मिलता है और इसके साथ सरेंज भी मिलती है और ये जो है ये भी मेस्टाइटिस और रिपीट ब्लीडिंग और प्रोलेपोरा में बहुत अच्छा काम करता है और रेस्पिरेटरी डिजीज में ये काम नहीं करता पर स्किन सॉफ्ट स्किन में जैसे प्रोलेप्सोरा वगैरह हो गया या ब्याने के बाद आप इसे लगा दिए तो मेस्टाइटिस नहीं होगी तो मैंने आपको दो एंटीबायोटिक बताए थर्ड जनरेशन सिफ्ट्रिया एक्स ये सिफ्ट्रिया एक्स ठीक है सेफ्ट्रिया एक्स मैथ्राइटिस और उसमें रिपीट ब्रीडिंग में, में और या बच्चे दानी से मवाद आ रहा है अगर आप इससे भी एडवांस कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हैं तो सेफ्ट्रिया एक्स टैरो है ये टैरो है सेफ्ट्रिया एक्स टैरो सफ्ट्रिया एक्स टैरो जो है ये दोनों आप रखिए अपने उससे ये हम लोग सप्लाई करते हैं बाजार में वैसे ये मुश्किल से मिलते हैं पर जो बाज़ार में और थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं ये इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये आप हमारे उनसे पूछ सकते हैं जो परचेज़ ऑफिसर हैं ब्रजमोहन जी वो सप्लाई करते हैं इसको और उनका टेलीफोन नंबर एट फाइव सिक्स फाइव ज़ीरो बासठ छियासठ जीरो है तो आप उनसे संपर्क करें और इसको प्राप्त करें तो ब्याने से पहले आप इसे जरूर रखें अपने पास जिससे कि जो उसकी बच्चेदानी है या मैस्टाइटिस है या बाद में रिपीट ब्रीडिंग होती है उससे आप बरी हो जाएंगे और आप गाय के ब्याने का आनंद लेंगे वैसे हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं इसमें डेयरी स्कूल है हमारा उसके ट्रेनिंग इंचार्ज जो हैं वो राकेश राठौर जी हैं और ये जो है इनका नंबर जो है सेवन थ्री ज़ीरो ज़ीरो डबल सेवन ट्रिपल वन जी सेवेन है जो नीचे दिया जा रहा है और मेरा नंबर जो है वो एट नाइन सेवन नाइन सेवन फोर एट सिक्स एट सिक्स है आप मुझे कभी संपर्क कर सकते हैं हम लोग जो हैं वो ए आई एम्ब्रोट्रांसफ़र और सब तरह की ट्रेनिंग देते हैं मतलब न्यूट्रिशन ब्रीडिंग ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन डिजीज़ कंट्रोल तो आप संपर्क करिए मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ पचास साल से ये करता हूँ मेरे इसको आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं मेरी वेबसाइट है यू धन्यवाद आपने सुना थैंक यू